हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अज असी PSPC इलैक्ट्रीशियन की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के नैक्सट पार्ट लेके आए हैं जी। सो उम्मीद है तुहानू यह जरूर पसंद आऊगा जी। आओ जी, शुरू करते हैं अज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साडा अज का फस्ट क्वेश्चन है जी, सब स्टेशन ते केड़ा सर्किट ब्रेकर काम आउंदा है। ऑप्शन ए है जी तेल सर्किट ब्रेकर, बी है जी एयर सर्किट ब्रेकर, सी है जी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, डी है जी उपरोक्त सारे। तो यह सही आंसर की है जी, ऑप्शन डी उपरोक्त सारे। तो सब स्टेशन पर यह सारे ही सर्किट काम आते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, अल्टरनेटर नूं घुमाउण वाले साधन नूं की कहिंदे हन। ऑप्शन ए है जी प्राइम मूवर, बी है जी डीजल इंजन, सी है जी जनरेटर, डी है जी कोई नहीं। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए प्राइम मूवर। तो अल्टरनेटर नूं घुमाउण वाले साधन नूं प्राइम मूवर कहिंदे हन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, स्टे तार का मुख्य भाग है। ऑप्शन ए जी एंकर रॉड, बी है जी क्लैंप, सी है जी ब्रेक इंसुलेटर, डी है जी उपरोक्त सारे। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी उपरोक्त सारे। तो यह सारे ही स्टे तार के मुख्य भाग होंगे। नैक्सट क्वेश्चन है जी, पिन इंसुलेटर किस द्वारा बनते हैं। ऑप्शन ए जी पोर्सलीन, बी है जी ग्लास, सी है जी कापर, डी है जी ए ते बी दोवें। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी ए ते बी दोवें। पोर्सलीन अते ग्लास दोनों तो ही पिन इंसुलेटर बनते हैं। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, वध वर्खा वाले स्थाना ते सर्विस लाइन लई केड़ा सपोर्ट लगाया जाता है। ऑप्शन ए है जी फाइबर कलीट, बी है जी रिंग इंसुलेटर, सी है जी लकड़ी की सपोर्ट, डी है जी उपरोक्त सारे। तो जिथे वध वर्खा होंदी है जी उत्थे सर्विस लाइन नूं सपोर्ट लई की लगाया जाता जी। इसका आंसर है जी ऑप्शन बी रिंग इंसुलेटर, रिंग इंसुलेटर लगाए जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जेकर लोड घट हो सब सर्किट विच की होंदा है। ऑप्शन ए है जी करंट घटता है, बी है जी करंट वधदा है, सी है जी प्रतिरोध घटता है, डी है जी शार्ट सर्किट होंदा है। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए करंट घटता है। जेकर लोड घट हो सब सर्किट के करंट घट जाता है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, डिस्क इंसुलेटर की वोल्टेज है। ऑप्शन ए है जी 10 किलो वोल्ट, बी है जी 11 किलो वोल्ट, सी है जी 33 किलो वोल्ट, डी है जी 132 किलो वोल्ट। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी 11 किलो वोल्ट। जो डिस्क इंसुलेटर होंगे जी उसकी 11 किलो वोल्ट वोल्टेज होंगी है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, प्राइमरी वंड लई कि प्रणाली काम आती है। ऑप्शन ए है जी 3 फेज 3 तार, ऑप्शन बी है जी 3 फेज 4 तार, ऑप्शन सी है जी 3 फेज 5 तार, ऑप्शन डी है जी 1 फेज 3 तार। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए 3 फेज 3 तार। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी है उसके लिए 3 फेज 3 तार काम आती है। ठीक है जी। नैक्सट है जी, ट्रांसफार्म विच तेल की वरतों क्यों की जाती है। ऑप्शन ए है जी वाइंडिंग नूं ठंडा करने लई, ऑप्शन बी है जी वाइंडिंग नूं इंसुलेट करने लई, ऑप्शन सी है जी इलैक्ट्रिसिटी एनर्जी ट्रांसफर करने लई, ऑप्शन डी है जी उपरोक्त सारे। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए वाइंडिंग्स नूं ठंडा करने लई। जो इस दे विच प्राइमरी अते सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंदियां ने उन्हां नूं ठंडा करन दे लई तेल दी वरतों कीती जांदी है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, ओम मीटर माप सकदा है। ऑप्शन ए है जी वोल्ट, बी है जी करंट, सी है जी पावर, डी है जी रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। जो ओममीटर है जी वह रेजिस्टेंस नूं मापदा है।
नैक्सट क्वेश्चन है जी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन विच सब तो उपरली तार हुंदी है। ऑप्शन ए है जी न्यूट्रल दी, बी है जी अर्थ दी, सी है जी फेज दी, डी है जी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन सी फेज दी। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दे विच सब तो उपरली तार हुंदी है वह फेज दी हुंदी है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, पिन टाइप इंसुलेटर आम तौर पर वरते जाते हैं। ऑप्शन ए जी 11 जां 33 किलो वोल्ट वास्ते, बी है जी 66 के वी वास्ते, सी है जी 132 के वी वास्ते, डी है जी 220 के वी वास्ते। इसका सही आंसर जी ऑप्शन ए 11 जां 33 के वी वास्ते। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, एक फैक्ट्री नूं सप्लाई देण लई किस केबल की वरतों करांगे। ऑप्शन ए जी 2 कोर, ऑप्शन बी है जी 3 2 कोर, सी है जी 3 कोर, डी है जी 4 कोर। जिस दे लई केबल वरती जाती है जी वह वरती जाती है। साडा सही आंसर है ऑप्शन बी 3 2 कोर, फैक्ट्री दे विच सप्लाई लई यह कोर वरती जाती है। तो इस तरह की केबल फैक्ट्रिया दे विच वरतों की जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, भारत में सब तो वध ट्रांसमिशन वोल्टेज है। ऑप्शन ए है जी 132 के वी, बी है जी 220 के वी, सी है जी 400 के वी, डी है जी 750 के वी। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी 750 के वी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, 11 के वी लाइन ते अर्थ तार होगी। ऑप्शन ए जी कापर दी, ऑप्शन बी है जी गैल्विनाइज्ड आयरन दी, सी है जी एलूमीनियम दी, डी है जी जिंक दी। तो इसका सही आंसर की है जी ऑप्शन बी गैल्विनाइज्ड आयरन दी। जो 11 के वी की लाइन होंगी है जी उसते अर्थ तार जो होंगी है वह गैल्विनाइज्ड आयरन दी होंगी है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, करंट नू मापिया जाता है। ऑप्शन ए जी वाट विच, ऑप्शन बी है जी हेनरी विच, सी है जी वोल्ट विच, डी है जी एम्पीयर विच। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी एम्पीयर विच। करंट नू एम्पीयर दे विच मापे जांदे जी। तो वाट दे विच असीं किस नू मापदे हां जी, शक्ति जां पावर नू, ते हेनरी दे विच इंडक्टेंस जां चालकता नू। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, केड़ा कथन ओम दे नियम नू सही दर्शाउंदा है। ऑप्शन ए जी वोल्टेज बराबर है करंट गुणा रजिस्टेंस, बी है जी वोल्टेज बराबर है करंट गुणा रजिस्टेंस की पावर 3, सी है जी वोल्टेज बराबर है रजिस्टेंस डिवाइड बाय करंट, डी है जी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर की है जी ऑप्शन ए वोल्टेज कि बराबर होंगी है जी करंट गुणा रजिस्टेंस के। ठीक है जी, यह ओम का नियम दसदा है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, 1 फैराडे किस दे बराबर होंदा है। ऑप्शन ए है जी 96,500 कुलाम दे, बी है जी 1,000 कुलाम दे, सी है जी 1 कुलाम दे, डी है जी 5,000 कुलाम दे। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए 96,500 कुलाम दे। जो 1 फैराडे होंगे जी वह 96,500 कुलाम के बराबर होंदा है। तो दोस्तों ये साडे अज दे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट वीडियो विच असीं होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आवांगे। तो जेकर तुहानूं साडी वीडियो चंगी लगती है इसनूं लाइक ते शेयर जरूर करियो जी। धन्यवाद जी।